नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि राजस्थान से लेकर पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में जो आपसी जो प्रतिद्वंद्विता है, या यूं कहे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में साफ टक्कर देखी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में करीबन 8 विधानसभाएं आती है, उसमें से कुछ विधानसभाएं जो है हनुमानगढ़ की है तो कुछ गंगानगर की विधानसभाएं हैं। तो मतलब कहा जा सकता है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिलों की 8 विधानसभाएं जो है गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में आती है। तो यहाँ गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भरतराम मेघवाल तो बीजेपी के जो है निहाल चंद मेघवाल जो है मैदान में हैं, और निहाल चंद मेघवाल की आज पूरे विषय पर बात करेंगे, भरतराम मेघवाल की आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो हम बताने जा रहे हैं वो निहाल चंद मेघवाल के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी आपका सांसद आखिर कैसा हो और आप अपने सांसद को वोट क्यों दें, इसी मुद्दे पर आज पूरा का पूरा रहेगा। हम आपको सबसे पहले बता दें जो गंगानगर और हनुमानगढ़ की कौन कौन सी विधानसभाएं मिलकर श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र तय करती है, हम आपको बता देते हैं। सादुल शहर, श्री गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़ और रायशनगर, ये जो 5 विधानसभाएं जो है वो गंगानगर जो है क्षेत्र से आती है, गंगानगर जिले से आती है। और जो हनुमानगढ़ जिले की 3 विधानसभाएं आती है, जिसमें से संगरिया, हनुमानगढ़ और पीड़ीबंगा, ये जो 3 विधानसभाएं हैं, और 5 जो विधानसभा गंगानगर जिले की है और 3 विधानसभा जो हनुमानगढ़ जिले की, ये सारे मिलकर लोकसभा श्री गंगानगर के अंदर आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगानगर लोकसभा का आखिर शुरुआत कब हुई थी, हम आपको बताते हैं। 1952 में श्री गंगानगर लोकसभा की स्थापना हुई थी, और 1952 में सबसे पहली बार जो यहाँ पे पन्नालाल बारूपाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के पन्नालाल बारूपाल जो है 1952 में यहाँ से सांसद चुनकर आए थे। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, दूसरी बार फिर पन्नालाल बारूपाल, तीसरी बार फिर पन्नालाल बारूपाल, और चौथी बार, पांचवी बार, लगातार 5 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है। 1952 से लेकर लगातार 5 जो लोकसभा जो चुनाव रहे, उन 5ों चुनाव में पन्नालाल बारूपाल जो है वह गंगानगर संसदीय क्षेत्र से जीतते आए हैं। उसके बाद अचानक 6ठी बार में जो है जनता पार्टी में बेगाराम चौहान यानी बेगाराम मेघवाल, निहाल चंद मेघवाल के पिता कहे जाते हैं, निहाल चंद मेघवाल के पिता हैं ये बेगाराम, बेगाराम जो है वो वहाँ से जीत कर आते हैं। 6ठी जब लोकसभा चुनाव जो होते हैं यहाँ पे, तो बेगाराम चौहान जीत के आते हैं। और 7वीं में बिरबल राम यहाँ से फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीत के आते हैं, और 8वीं बार फिर बिरबल राम यहाँ से बाजी मारते हैं। और जो 9वीं बार है बेगाराम चौहान, यानी एक बार फिर बेगाराम चौहान जो है जनता पार्टी से यहाँ से विजयी होते हैं। और 10वीं बार जो है यहाँ पे एक बार बाजी पलटती है, बिरबल राम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बिरबल राम को यहाँ टिकट दी जाती है, और बिरबल राम ने यहाँ पे संसदीय क्षेत्र में यानी गंगानगर संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल की थी। और उसके बाद जो है बिरबल राम के बाद 11वीं जब विधानसभा सॉरी लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो उसके बाद निहाल चंद चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी BJP से अचानक निहाल चंद चौहान, जिसे निहाल चंद मेघवाल के नाम से जाना जाता है, और वो जीत कर आते हैं। और उसके बाद 12वीं जो है वो शंकर पन्नू यानी श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से शंकर पन्नू जो है निहाल चंद मेघवाल को कड़ी टक्कर देते हैं, और निहाल चंद मेघवाल को यहाँ पे हरा देते हैं, और शंकर पन्नू जो है एक बार यहाँ से जीत कराते हैं। 13वीं जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो निहाल चंद मेघवाल भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से फिर जीत के आते हैं, और 14वीं में फिर निहाल चंद मेघवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। लेकिन जब 15वीं लोकसभा का जो चुनाव होता है, तो उसमें निहाल चंद मेघवाल के जीत का सिलसिला, लगातार 2 जीत का सिलसिला जो है वहीं विराम ले लेता है, और वहां पर भरतराम मेघवाल यानी कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भरतराम मेघवाल वहां से जीत कराते हैं। उसके बाद ये जीत का सिलसिला जो है एक बार फिर 16वीं जो लोकसभा चुनाव थे, जो पिछले चुनाव थे यानी 2014 में जो चुनाव हुए वो 16वीं लोकसभा चुनाव थे श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र को देखा जाए तो, उसमें फिर निहाल चंद मेघवाल जीत कर आते हैं, और निहाल चंद मेघवाल जो है कड़ी टक्कर देते हैं, और कड़ी टक्कर में निहाल चंद मेघवाल बड़े अंतर से यहाँ से जीत के आते हैं। अब बताते हैं निहाल चंद मेघवाल,
जानकारों की अगर माने तो निहाल चंद मेघवाल का दबदबा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है। अभी छोटी सी उम्र में सांसद बनने का सबसे बड़ा जो कारण है वो उनके पिता बेगाराम चौहान माने जाते हैं। बेगाराम मेघवाल जो है उनके पिता है, और वो उनके संसद से जीतने से पहले बेगाराम चौहान जो है लगातार कहे या दो बार वो संसद में गए हैं, यानी लोकसभा में उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया जनता पार्टी द्वारा, और जनता पार्टी से दो बार वो विजयी होकर वहाँ से गए हैं। पिता से मिले इस पृष्ठभूमि के कारण जो है बेगाराम मेघवाल के कारण जो है वो निहाल चंद मेघवाल एक बार अपनी सीट यहाँ से ले जाते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद एक बार फिर एंटी कांग्रेस होने की वजह से वो जीतते हैं, और फिर एंटी कांग्रेस होने की वजह से जीतते हैं। और जो लास्ट 2014 का चुनाव था उस समय उनका बहुत भारी विरोध था, वो एक मामला था निहाल चंद मेघवाल को लेकर, आपको सब पता है बलात्कार को लेकर एक मामला था, और उसकी वजह से हालांकि वो काफ़ी डिमोरलाइज कर दिए गए थे उनको, और काफ़ी उन पर आरोप प्रत्यारोप चले थे, और काफ़ी मीडिया में भी काफ़ी कुछ आया था, लेकिन उसके बावजूद मोदी लहर होने की वजह से वो पिछला चुनाव जो लोकसभा चुनाव है वो जीत गए। जानकार सूत्र यही बताते हैं कि मोदी लहर की वजह से लोकसभा का चुनाव जो था वो निहाल चंद मेघवाल जीत पाए। अगर मोदी लहर नहीं होती तो निहाल चंद मेघवाल उस बलात्कार के आरोप की आंधी में मतलब उड़ जाने वाले थे, और वहाँ पर जो है शायद उनकी सीट नहीं मिल पाती उनको। निहाल चंद मेघवाल का अगर हम बात करें तो वो एक राजनेता के रूप में छोटी उम्र में उभरे थे, और उन्होंने लगभग चार बार जो है संसदीय क्षेत्र में यानी संसद से उन्होंने संसद में पहुँचने का काम किया, लगभग चार बार वो जो है सांसद रह चुके हैं, और उन्हें निहाल चंद चौहान और निहाल चंद मेघवाल भी कहा जाता है। चौहान जो है उनका सरनेम कहा जाता है, उनकी जात है चौहान, लेकिन उनको मेघवाल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। निहाल चंद मेघवाल जो है अगर उनकी बात करें 2007 में, तो 2007 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण पर स्थलीय समिति के सदस्य उन्हें चुना गया था पहली बार, और उसके बाद 2016 में मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति के सदस्य चुने गए थे, और 2014 में वो 16वीं लोकसभा चुनाव में श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के मास्टर भंवरलाल मेघवाल को हराकर चौथी बार जीत हासिल की थी, और 2014 में रसायन व उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री, और 27 मई 2014 से 9 नवंबर 2014 तक वो इसमें मंत्री रहे थे, और 2014 में फिर उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री जो 9 नवंबर 2014 से 5 जुलाई 2016 तक रहे थे। ये तो था उनका, और अगर उनकी जन्म की बात करें तो उनका पूरा नाम जो है वो निहाल चंद है, और उनकी जो जन्म तिथि है वो बताया जा रहा है 4 फरवरी 1971 को वो उन्होंने जन्म लिया था, और उनका जन्म स्थान तो जो जिला श्री गंगानगर में ही है, बाजूवाला गांव में उनका जन्म हुआ था, और जब से उन्होंने मतलब राजनीति में कदम रखा है तभी से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ही लगातार चार बार सांसद रह चुके हैं, और उन्होंने जो उनका बताया जाता है सामाजिक कार्यकर्ता रहे थे, और कृषि से ही उनका सारा चलता था, और पिता के बारे में हम बता चुके हैं बेगाराम चौहान जो थे जो दो बार लगभग सांसद रह चुके थे, और उनकी पृष्ठभूमि की वजह से वो अचानक जो है लोकसभा में जीत हासिल की थी निहाल चंद मेघवाल ने। उनकी माता है उनका नाम सुरजी देवी है, और जीवन साथी जो है मतलब कहा जा सकता है धर्मपत्नी जो है उनका नाम जो है ज्योति चौहान है, और वो लगभग अगर इनकी संपत्ति की अगर हम बात करें तो बताया जाता है भी 1.9 करोड़ रुपए यानी 1.09 करोड़ रुपए जो है इनकी संपत्ति है, और इनका जो उत्तरदायित्व या जो भी करता है उसकी 16.12 लाख रुपए के लगभग संपत्ति है, और अगर शुद्ध संपत्ति की बात करें तो 92.5 लाख जो है इनके पास शुद्ध संपत्ति है। एक बेटा है इनके और एक बेटी है, ये है इनका पूरा बायोडाटा। अब हम बात करते हैं भी आखिर सांसद निहाल चंद मेघवाल को टिकट क्यों दी गई, और सांसद निहाल चंद मेघवाल पर जो वहाँ की जनता विश्वास क्यों करे। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में ही मतलब उनको फाइनल कर दिया गया था। हम आपको बताते भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें सांसद निहाल चंद समेत कई मंत्रियों को दोबारा मतलब दाव खेला गया था, उन पर दाव खेला गया था, और ये जो पूरी की पूरी जो सीट है हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जो लिस्ट आई थी उसमें से श्रीगंगानगर से 1996 1999 2004 और 2014 में सांसद बने थे सांसद निहाल चंद, और उसकी वजह से उन्हें पांचवी बार सांसद के चुनाव में फिर उतारा गया था, और इसी के चलते जो है उन्हें एक बार मौका दिया गया था क्योंकि वो युवा भी हैं और चार बार लगातार सांसद भी रह चुके हैं। उन पे सबसे बड़ा आरोप लगाया गया था मतलब हम बात करें 2011 की, सन 2011 में सांसद निहाल चंद मेघवाल पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, और दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद
पूरी कहानी हम आपको बताते हैं, दुष्कर्म का आरोप कैसे लगाया गया था और दुष्कर्म का जो है आरोप कैसे लगा था। हम आपको बताते हैं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई मेघवाल के समर्थन में खड़ी जरूर थी, लेकिन मेघवाल जो है संसदीय उनको क्षेत्र से बार बार इस्तीफे की मांग की गई और जो है महिला द्वारा बार बार आरोप लगाया गया और जो महिला मीडिया के सामने भी आई, काफ़ी बार विपक्षी दल के नेताओं ने भी उस महिला को मीडिया के लगातार सामने लेकर आते रहे हैं और आरोप जो है लगातार लगे थे। हम आपको बता दें महिला ने जिसने आरोप लगाया था उसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। इस महिला ने श्रीगंगानगर में अपने मामा के यहाँ पनाह ले रखी थी और उन्होंने इस बताया कि हरियाणा के अबूब शहर में जन्मी थी और ये खेतीहार परिवार से थी और अपने पिता की साल 2000 में मृत्यु होने के बाद वह महज 6 से 7 साल की थी। जिस महिला ने जो आरोप लगाया था, पिता की मौत के बाद उनकी माँ का नाता उसके चाचा के साथ हुआ और उन्होंने ही उनकी ही और उनकी दो बहनों का लालन पालन किया और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अब 20 दिसंबर 2010 को उनकी शादी हो गई और इस महिला के मुताबिक शादी से पहले जो इनके पति हैं उन्होंने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताया था और जयपुर रहने का लिए बताया था। जयपुर में आने के बाद इनकी पति की जो है राजनीति में बहुत आगे जाने की मंशा थी जो लगातार मीडिया में आ रही है। उस मंशा को रखने के लिए, मतलब उस मंशा को बड़ा रूप देने के लिए उसका पति जो है, आरोप है उस महिला का भी, उसका पति जो है मुझे अलग अलग राजनेताओं के आगे परोसता था और जिन राजनेताओं का आगे परोसा गया उसमें से एक सांसद निहाल चंद मेघवाल भी थे। सांसद निहाल चंद मेघवाल पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए। उसके बाद जो दूसरे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने बार बार इस्तीफे की मांग की और इस्तीफे की मांग को लेकर काफ़ी बार बड़ी बहस भी चली और एक बार NDTV की रिपोर्ट को अगर खंगाला जाए तो उसमें साफ है बताया गया था भी सांसद निहाल चंद मेघवाल जो है मतलब गिरफ्तारी के डर से या यूँ कहा जा सकता है भी पेश होने के डर से वो फरार है। तो ऐसे ये थी बलात्कार से लेकर काफ़ी बड़ी कहानी जो थी, हमने आपको बताया किस प्रकार से आरोप लगाए गए। तो अभी जो बात करें, निहाल चंद को मंत्रिमंडल से हटाने की भी बात की गई थी 2014 में जब उन्हें मंत्री बनाया गया था, हालांकि उनको मंत्री पद से हटाकर उन्हें रखा गया था। लेकिन बड़ी बातें कही जा रही थी भी वसुंधरा राजे यानी उस समय की जो CM थी, राजस्थान में जो CM रही है वसुंधरा राजे, उनकी जो साथ में उनका तालमेल अच्छा था बताया जा रहा है, भी नज़दीकी थे वसुंधरा राजे की, जिसकी वजह से मंत्री मंडल से उन्हें हटाया नहीं गया था या यूँ कहा जा सकता है भी उनकी नज़दीकियों का फ़ायदा ये मिला था। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भी जो है दुष्कर्म की पीड़ित महिला ने बड़े बड़े पत्र लिखे थे उनको वहाँ से हटाने के लिए और बल्कि BJP से भी बर्खास्त करने के लिए, लेकिन BJP जो है लगातार जो है चुप्पी साधे हुई थी। और उसके बाद जो है अभी जो हालात हैं, अभी जो मेन हालात हैं अभी की बात करते हैं, अभी जो है पूरे सोशल मीडिया पर निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ काफ़ी दुष्प्रचार किया जा रहा है या प्रचार किया जा रहा है। NCA नाम से काफ़ी ग्रुप भी क्रिएट किए गए हैं जिसे N मतलब निहाल, सी मतलब चोपड़ो, ए मतलब अभियान, निहाल चोपड़ो अभियान के नाम से भी एक अभियान शुरू किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेड कर रहा है, जिसको लेकर श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ के लोकल अखबारों ने भी काफ़ी बड़े बड़े में छापा है और बताया गया है कि किस प्रकार से निहाल चोपड़ो अभियान जो है चालू किया गया है। निहाल चंद की खिलाफत जो है अब की बार उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, तो वहीं भरतराम के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि भरतराम मेघवाल कभी नहीं चाहेंगे कि जो मौका उन्हें मिला है या उनकी खिलाफत जो जिस प्रकार से निहाल चंद की खिलाफत हो रही है, तो उस खिलाफत को, इस मौके को पूरी तरीके से भुनाने का भरतराम मेघवाल प्रयास करेंगे। और आपको बता दें CM अशोक गहलोत यानी वर्तमान में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत भी गंगानगर का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं या यूँ कहा जा सकता है कि गंगानगर के दौरे पर हैं और उसका फ़ायदा जो है वो भरतराम मेघवाल को बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि भरतराम मेघवाल की जो भीड़ रहेगी या जो लोकसभा क्षेत्र में गंगानगर में जो कार्यक्रम चल रहा है या जो रहेगा, तो उससे साफ हो सकता है भी वो जीत का जो आंकड़ा है वो लगभग लगभग तय हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से निहाल चंद के खिलाफत जिस प्रकार से चल रहे, अभी कुछ वायरल पोस्टर भी हो रहे हैं अभी, बलात्कारी सांसद अगर हार जाए तो कोई गम नहीं, मोदी जी मतलब हार जाए तो कोई गम नहीं, मोदी जी हमें कोई गम नहीं, इस प्रकार के काफ़ी पोस्टर भी जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चल रहा है। और जब हमने गूगल पे एक सर्च मारा, जब गूगल पे लिखा गया अपने बलात्कारी सांसद श्रीगंगानगर, तो उसमें भी सबसे ऊपर जो है टॉप पे सांसद निहाल चंद की फ़ोटो के साथ, तो सांसद निहाल चंद की फ़ोटो सामने नज़र आती है। तो मतलब कहा जा सकता है गूगल से लेकर
हर जो जो अभी जो फिलहाल जो उनकी हवा जो है वो काफ़ी खिलाफत में चल रही है। अगर कुछ भी आप चीज़ देखोगे तो कहीं ना कहीं निहाल चंद मेघवाल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। निहाल चंद मेघवाल का पूरा बैकग्राउंड हमने आपको बताया, निहाल चंद मेघवाल पे जो जो आरोप रहे वो हमने बताया। इसके अलावा सांसद निहाल चंद मेघवाल से जो घनसिंहपुर और वहाँ के जो रेलवे स्टेशन के जो समीप जो गांव आते हैं वो उनसे नाराज़ है, क्योंकि काफ़ी जो ट्रेनें हैं वहाँ पे उनका स्थान नहीं है रुकने का या फिर उनका ठहराव नहीं है। इसको लेकर काफ़ी काफ़ी समितियों ने कई बार धरने प्रदर्शन आंदोलन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे ट्रेन का ठहराव नहीं होना वहाँ के लोगों में काफ़ी कहा जा सकता है कि काफ़ी नाराज़गी है। वहीं मेघवाल मेघवाल जो है मेघवाल बतराम जी भी मेघवाल है और निहाल चंद भी मेघवाल है, तो मेघवाल वर्सेस मेघवाल का जो ये चुनाव है वो कहीं ना कहीं दूसरी जाति के जो वोट है उनके लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है, क्योंकि वो दूसरी जाति के जो वोटर है वो कहीं ना कहीं नया रुख अपना सकते हैं। तो वहीं घनसिंहपुर से लगातार नाम आ रहा है, घनसिंहपुर के आसपास में कोई चेयरमैन बताए जा रहे हैं सोलंकी नाम से, वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं और वो भी एन मौके पर हो सकता है चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ डिसीजन ले ले या चुनाव को लेकर भी कुछ कर ले। तो मतलब कहीं ना कहीं निहाल चंद मेघवाल के लिए मुसीबतों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ जिस प्रकार का प्रचार चल रहा है और निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ जिस प्रकार की जनता का रुझान नज़र आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं निहाल चंद मेघवाल को अब की बार सीट से यानी सांसद की सीट से वंचित कर सकता है। और यही दूसरा मौका जो है बतराम मेघवाल को ही उनके हराने का जो दूसरा चांस है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बतराम मेघवाल ने ही पिछली बार जो है निहाल चंद को इससे पहले जो हराया था वो निहाल चंद को बतराम मेघवाल ने हराया था, और एक बार निहाल चंद को शंकर पन्नू ने हराया था। शंकर पन्नू के बाद में अगर निहाल चंद को हराने का श्रेय जाता है तो वो बतराम मेघवाल को जाता है। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो है बतराम मेघवाल के फिर उनके पास एक मौका है, जिस प्रकार से निहाल चंद के खिलाफ जनता और जो लोगों में प्रचार चल रहा है या जो जनता में जो आक्रोश है उस आक्रोश का फ़ायदा बतराम मेघवाल उठा सकते हैं, और बतराम मेघवाल जो है अब की बार जो है इस संसदीय क्षेत्र से जीत कर सामने आ सकते हैं। ये था हमारा पूरा कार्यक्रम, पूरे आंकड़े वाइज हमने आपको बताया भी श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र का आखिर हाल क्या है। हम आपको बता दें बेगाराम चौहान की वजह से पहली बार सांसद निहाल चंद चुन के आए थे अपने पिता की वजह से, उसके बाद एक दो बार वो लहर में जीते, उसके बाद मोदी लहर में जीत गए, और अब की बार जो है उनके खिलाफत देखते हुए लग नहीं रहा अभी निहाल चंद मेघवाल जो है लोकसभा श्रीगंगानगर से अपनी सीट को बीजेपी के लिए निकाल पाएंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी के लोग भी सांसद निहाल चंद यहाँ से जीत के जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम और सारी लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी लाते रहेंगे। हमारी खबरें अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमें बताएं भी हमारी खबर आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि ऐसी रोचक जानकारी हम तभी ले पाएंगे जब आपका हौसला मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।